ਕਾਇਤਾ ਵਈਏ ਤੇ ਬਸ ਕਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਈ ਦਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾ ਲੇ ਕਾਰਕ੍ਰਮ ਕੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਰੀ ਕੇ ਰੂਪ ਮੇਂ ਇਹ ਸਿਰ ਮੇਂ ਕਹੀਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹਮਾਰੇ ਬੀਚ ਮੇਂ ਇਹ ਸਭ ਨਹੀਂ ਖਾ ਵਾਇਆ ਅਨੁਭੂਤੀ ਕਾਰਕ੍ਰਮ। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। दोस्तों हेलो, आज है 5 तारीख है दोस्तों, सोमवार का दिन। यहाँ वन विभाग से अनुभूति कार्यक्रम है कुछ, तो स्कूल के 8वीं 9वीं और 11वीं के विद्यार्थी लोगों को लेकर गए हैं दोस्तों। जोगन भूरी करके कालपी से करीबन 2 किलोमीटर की दूरी में है, तो वहाँ पर कुछ भोजन वजन कार्यक्रम रखा गया है दोस्तों। अनुभूति कार्यक्रम पता नहीं कोई होगा, उसके बारे में मुझे अच्छे से जानकारी नहीं पता, तो हम लोग अभी वहीं जाएंगे बीरन सर के साथ। सुबह में गए थे, नाश्ता वास्ता करके आ गए, फिर अभी बिजडांडी जा रहे हैं, बीरन सर का काम है। भाभी का कुछ एप्लीकेशन वगैरह देखना है, फिर वहां से देख के आएँगे, फिर जाएँगे हम लोग जोगन भूरी दोस्तों, तो वहाँ का दिखाएँगे आप लोगों को। वहाँ पहुँच के लाइव टेलीकास्ट दिखाते हैं आप लोगों को कार्यक्रम क्या है क्या नहीं, तो वीडियो में इसलिए बने रहिए दोस्तों। हम लोग का गाड़ी बिना तेल का चलता है, साइकिल वाला साइकिल वाला। यहाँ से बिजडांडी करीबन 10 किलोमीटर होगा, है ना सर? 10 किलोमीटर जाएंगे, फिर तुरंत वापस होएंगे दोस्तों। दोस्तों अभी गाड़ी बनवा रहे हैं, फिर जाएंगे। अभी बोलो क्या बोलना है। तो दोस्तों ये लड़कियां हैं जो कि रह गए थे, 125 का सीट था तो पूरा हो गया, तो लड़कियां नहीं जा पाए अभी तक, रो रहे हैं जाने के लिए। इनको मैं वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा। नहीं चप्पल पहन के जल्दी कर रहा है। अरे मैं भाग जाऊंगा, बिल्कुल कूद का मर जाऊंगा दिमाग। ये भगवान बहुत गुस्सा भरा है उनमें। दोस्तों अभी 2 बज चुका है, अभी हम लोग जा रहे हैं जोगन भूरी, वहाँ पे है अनुभूति कार्यक्रम दोस्तों। तो बहुत सारे बच्चों को रेडी करवा लिए थे दोस्तों, फिर 125 ही लेकर जाना था, तो बहुत सारे बच्चे छूट भी गए हैं, तो मिडिल वाले अभी कुछ लड़कियाँ हैं, छोटी लड़कियाँ, उन लोग परेशान हैं जाने के लिए, रो रहे दोस्तों ले जाओ बोल रहे, लेकिन हम लोग भी नहीं ले जा सकते। मैं बीरन सर दोनों हैं, और पीछे में सुनील सर और गंगा सर हैं दोस्तों। डांस वांस भी तैयार करके गए हैं लड़कियां, तो दिखाएंगे। अगर हो गया होगा तो नहीं दिखा सकता, अगर काफ़ी बाकी होगा डांस वगैरह तो जाके दिखाऊंगा दोस्तों। धरती में चला, जैसे लग तो धरती में ना चल रहेगी। हाँ। सोल ऐसे लगे धरती में आ गए पूरे मुरे पैर पंजा मकदम चले। ये वाले दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं जोगन भूरी, ये इस साइड का है, यहाँ से ठीक उधर पे जाएंगे दोस्तों, उसके उस पर अपना टेंट वेंट लगा रखे हैं पूरा। ये देखिए दोस्तों इधर पे पूरा उधर टेंट लगा है दोस्तों, उधर नज़दीक जाके दिखाएंगे आप लोगों को दोस्तों। बहुत खूबसूरत नज़ारा है, इधर नदी झरना भी है दोस्तों, नीचे झरना इधर पे पूरा। पहुंच चुके हैं दोस्तों, बहुत बेहतरीन लग रहा है इधर पे। सुनील सर हमारे मायूस लग रहे हैं, बच्चिया है, बच्चिया परेशान कर दीजिए। चलिए
इधर पे पूरा जंगल जंगल है दोस्तों, सब साइड और सागवान का पेड़ बस देखने को मिलेगा। इधर पीछे में इधर भोजन वोजन का व्यवस्था कर रखे हैं दोस्तों, हम लोग अभी जाके सीधा भोजन करेंगे। चिकन मटन मिलता हो रे? दोस्तों पूरी मिला है, पनीर का सब्जी और दाल चावल है। अभी ख़त्म होने लगा है दोस्तों, हम लास्ट में पहुँचे। चावल नहीं लिए सर बाद में? सुनने से इधर बीरन सर नीचे बैठ के खा रहे हैं। गंगा सर क्या बोल रहे थे, पनीर सब्जी इनको बनाने नहीं आया? बनाने नहीं आता यार, ये यार क्या बनाए, एक इसे अच्छा तो हम घर में मटर का सब्जी खाए। दोस्तों गंगा सर को पनीर का सब्जी पसंद नहीं आया, पसंद है पर बनाए हैं ऐसा कि पसंद नहीं आया। पेट भर गया दोस्तों, बहुत स्वादिष्ट खाना बना था, मैं तो दबा के खाया, बहुत ज़्यादा खाया। बीरन सर का ये चौथा प्लेट है। भोजन का आनंद ले रहे हैं पनीर सब्जी का, बहुत अच्छा खाना था दोस्तों, खाए मज़ा आया। अब दिखाएंगे आप लोगों को डांस, और विधायक सर लोग भी आए हैं, बड़े बड़े अधिकारी राजनेता आए हैं दोस्तों, तो दिखाते हैं आप लोगों को डांस दिखाएंगे। मन चपना उधर है दोस्तों, इधर पे रायता भैया तो बस कर भी कैसे कई दिन सब चीज खा ले। ये सब तो नहीं खा पाए अनुभूति कार्यक्रम के माध्यम से उनके स्वागत के लिए भी श्री हरि शंकर गौतम बहुत नहीं है बहुत मत सुबह एक खबर होता है बहुत नहीं है उसकी बहुत हमने देखा होगा। मैं इनसे भी परेशान हूँ भाई कसम से यार। गंगा सर है दोस्तों, मैनेजर है तो मैनेज करता है, लेकिन बाकी इधर दो सर हैं, ये दोनों को मैनेज करने में हालत खराब हो जाता है दोस्तों। राष्ट्रीय पशु का नाम बताइए। सेकंड हाँ लड़कों का संख्या कम है क्या? गलत। दूसरा किसका उठा था? दूसरा हाथ किसका उठा था? बाघ। बाघ का उत्तर सही है क्या? सबको मालूम है? यस सर। ठीक है ताली बजाइए इनके लिए। नाम बता, नाम और कच्चा बता दीजिए। हेलो शंकरिया क्या बोल रहे? गलत। दूसरा हाथ किसका उठा था? 1 नवंबर। चले ठीक है इनने 1 नंबर बता दिया है, 1 नवंबर सही है, पर उसके आगे सन है 1956। ये गोठरिया हाँ ना ठीक अच्छा ना हो उठाना है बोलना नहीं है ठीक है। त्रिफला चूर्ण किस वृक्ष प्रजाति से बनाया जाता है? त्रिफला चूर्ण किस वृक्ष प्रजाति के पौधों से बनाई जाती है, फलों से बनाई जाती है? यह है हरा भहरा आंवला। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है बताओ? 5 सितंबर। इनने बताया 5 सितंबर सही है, सबको मालूम है, ताली बजाएं इनके लिए। राज्य पशु का नाम बताइए। यह है बारहसिंघा। 2 इमारती वृक्षों के नाम बताइए। सागौन और साजा। इनका उत्तर सही है, ताली बजाएं इनके लिए। ठीक है अगला प्रश्न है, 2 जलाऊ वृक्षों के नाम बताइए। जलाऊ वृक्षों के श्रीमती चौहान मैडम से आग्रह करूंगा कि वो कुछ गुच्छ भेंट कर स्वागत करें। और यहाँ विराजमान समस्त शक्तियों को मैं नमन करता हूँ। आज इस अनुभूति कार्यक्रम में उपस्थित बीजाडांडी जनपद पंचायत सम्माननीय अध्यक्ष करिश्मा पट्टा जी,
क्षेत्रीय जिला पंचायत सदस्य। और वनों में क्या कौन कौन से जानवर रहते हैं सबके बारे में आप सब एक विस्तृत अध्ययन आप सबने किया है, जो हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक। रोज खाने की जरूरत होती है, खाना की जरूरत, वैसे ही पानी की जरूरत, वैसे ही हवा की जरूरत। और हवा कैसे मिलेगी अपने को, शुद्ध हवा कैसे मिलेगी, पेड़ पौधों से। निधि विके को ये प्रमाण पत्र प्रदान करने का कष्ट करें, श्री रामचंद्र यादव जी। तालियां बजनी चाहिए। इस क्विज प्रतियोगिता के तृतीय स्थान पर प्रतिभा यादव कक्षा 9 की छात्रा हैं, ये सीएमराज स्कूल कालपी। मैं आग्रह करूंगा श्रीमती पुष्पा मरकाम जी जिला पंचायत सदस्य जी से कि वो प्रतिभा यादव को ये प्रमाण पत्र प्रदान करने का कष्ट करें। द्वितीय स्थान पर हैं कविता यादव कक्षा 11वीं। मैं हमारे जनपद के अध्यक्ष श्रीमती करिश्मा पट्टा जी से आग्रह करूंगा कि वो कविता यादव जी को ये द्वितीय पुरस्कार प्रदान करने का कष्ट करें। सम्मानी चैन सिंह वरकड़े जी, कृपया शंकरीय गोठरिया को ये प्रमाण पत्र पुरस्कार प्रदान करने का कष्ट करें। ताली बजाएं। होनहार छात्रा बहुत ही ब्रिलियंट हैं और ये प्रथम स्थान प्राप्त की हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मिलने तक जा मध्य प्रदेश वन विभाग की ये अवधारणा है कि वो अगर यदि स्कूल विद्यार्थी के प्रति वह पर्यावरण के प्रति उत्तर व्यवहार रखते हैं तो वे समाज के प्रगति संरक्षण में संवेदनशीलता विकसित करने में अत्यंत सहायक हो सकते हैं। इस वर्ष अनुभूति कार्यक्रम की थीम टाइगर पर केंद्रित है। बाघ हमारे देश का राष्ट्रीय पशु है। बाघ का नाम सुनते ही सबसे पहले हमें उसके दहाड़ने की याद आती है। बाघ इतना तेज दहाड़ते हैं कि उनकी दहार 3 किलोमीटर तक सुनाई दे सकती है। कभी कभी वह इतना तेज दहाड़ते हैं कि वे अपने शिकार को पोलराइज कर सकते हैं। पदाधिकारीगण, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हर साल इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। उपस्थित हैं, मैं आग्रह करूंगा कि आज की इस अनुभूति कार्यक्रम पर वो हमको संबोधित कर। धन्यवाद सर। बोलिए भाई। आवाज नहीं आई। स्वागत माता की। तेज बोलो। भारत माता। आज के अनुभूति कार्यक्रम में मैडम सरोज मराबी जी सर, हमारे मंडल के अध्यक्ष, मेरे मित्र संग्रहण करते हैं। सो हमारा चंद्रपता का जिला यूनियन है, डिवीजन लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पश्चिम का पूर्व का दोनों का जिला यूनियन है। वन विभाग का द्वारा ही संचालित किया जा रहा है, उसी का एक
वनों वन प्राणियों एवं पर्यावरण के संरक्षण हेतु अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दूंगा। दोस्तों लगभग प्रोग्राम खत्म हो चुका है, हम अभी जा रहे हैं ब्रेक के लिए, पानी ब्रेक के लिए। दोस्तों बकरा खान है, चले चलो। क्या हुआ है प्रोग्राम उधर का? अबे उधर क्या है, ये कुछ हो गया था तो अभी हमारे कुछ और एक्टिविटीज के साथ आज का ये अनुभूति कार्यक्रम हमारा संपन्न होगा। दोस्तों अभी फोटो सेशन होगा, ग्रुप फोटो। तो बच्चों को लाना पड़ेगा ना, मास्क भी बांट के लगी है। नहीं मास्क नहीं है। ये है चंगू और इधर है मंगू। शायद देख इधर देख। एम क्या होगा सर? अरे कुछ नहीं, फोटो वोटो लेने के लिए बस। मास्क लगा लो आप लोग, बच्चों को पास नहीं है क्या? वो उनको लगा ले का एक लोग तुम्हारा लगा लो, लगा लो थोड़ा फोन। पहचान होने यार, आँख में लगा ले छोटो। संरक्षण करें, मिलकर हम सब शपथ लें सामान्य जीवन के सिद्धांतों को, आओ हम सब अपनाएं। हर कदम पे दोस्तों अनुभूति कार्यक्रम आज का समाप्त हो चुका है, अभी पाँच लगभग हो गया है, 5 बज रहे हैं। सुनील सर के साथ खड़े हैं इधर, गाड़ी वगैरह भी
लेना शुरू कर दिया है दोस्तों। अनुभूति कैंप समाप्त हो चुका है दोस्तों, सभी लोग जा चुके हैं, कुछ लड़के बस रह गए हैं, अभी दो गाड़ी वापस आएगा तो ख़त्म हो जाएंगे। फिर आज का कार्यक्रम समाप्त हुआ, बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छा लगा, मज़ा आया, भोजन भी अच्छा मिला, डांस भी अच्छा हुआ। और झरना दिखाता हूँ आपको दोस्तों जाने से पहले। अनुभूति कैंप का मकसद था दोस्तों लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना था, विद्यार्थी लोगों को, तो विधायक लोग सभी यहाँ के थोड़े बड़े बड़े विकास खंड के लेवल में जो भी अध्यक्ष हैं, बड़े नेता हम लोग सभी लोग आए थे दोस्तों, तो काफ़ी कुछ बच्चों को सीखने को मिला होगा यहाँ, तो बहुत अच्छा रहा। खाना भोजन का व्यवस्था था, नाच गान था और भाषण वगैरह दिए, पर्यावरण के प्रति जागरूक किए लोगों को। तो अब वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं दोस्तों, बहुत ही अच्छा रहा आज का दिन, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तोरे से प्यार सच्चा रे काले भुला दिल। ना मेरे पास आओ। हाँ आओ। कौन कौन सा? वही वाला नाच गाना वाला। हमारे देख बच्चे नाच रहे थे, एक लास्ट वाले। हाँ सूप ऊपर वाले। हो गया दोस्तों, हम सब लड़के मतलब के सभी विद्यार्थी जा चुके हैं, हम अभी जा रहे हैं दोस्तों लास्ट में। ये गंगा सर है मैनेजर, सबको मैं निकाल लिए। हाँ। अब जा रहे हैं हम लोग, और उधर आगे में दो सर लोग जा रहे हैं। इस वीडियो को इधर ही एंड करते हैं, मिलते हैं अगला वीडियो में दोस्तों, बाय बाय। दोस्तों हम लोग को हिरन देखने को मिला है। तो बच्चा भी यार इसकी। हाँ तो बंद कर गाड़ी है? कहाँ कूदाएंगे? देख रुक जा, स्लो करना, रुकना। हाँ हिरन है दोस्तों। चलो हो गया दोस्तों, गंगा सर मेरे को छोड़ दिया, मैं जा रहा हूँ रूम। और अभी हम लोग कालपी पहुँचने से पहले हिरन देखे दोस्तों, वीडियो बनाया हूँ, दिखाता हूँ आप लोग, देखे हो गए, डाल दूंगा अभी। हिरन देखे दोस्तों, हिरन।